कभी बुलडोजर, कभी मंदिर, तो कभी शोभा यात्रा, तो कभी दंगे। राजस्थान की राजनीति इन मुद्दों से उफान पर है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर को तोड़ने की घटना से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी बोर्ड पूरी तरह से दोषी है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर दंगे की राजनीति कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। करौली दंगे की सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि अलवर के राजगढ़ के मंदिर तोड़े जाने की घटना ने जयपुर से लेकर मेवात तक की सियासत को उफान पर ला दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार थी और भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी ने कलेक्टर को 15 अगस्त 2018 को चिट्ठी लिखकर यह अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी। राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड है जिसके अध्यक्ष सतीश गुहारिया हैं। नगरपालिका की साधारण सभा में 8 फरवरी 2021 को अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया गया था, उसके बाद ही यह अतिक्रमण हटाया गया है। पहली बात तो जो राजगढ़ अलवर के अंदर जो अतिक्रमण हटाने की बात थी, जिस मंदिर की बात की जा रही है, उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। वहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15 दस 2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। डोटासरा ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती, ये भाजपा का एजेंडा रहा है। डोटासरा ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से सवाल करते हुए कहा कि वो इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अगर हम पीछे का इतिहास देखेंगे तो सैकड़ों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक फितरत हो गई है कि वो खुद गलत काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और धर्म विशेष को टारगेट करके एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुचेष्टा करते रहते हैं, यदा कदा वो सफल भी हो जाते हैं। उधर राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के तीखे तेवर भी सामने आने के बाद कांग्रेस की राज्य इकाई भी बीजेपी पर आक्रामक हो गई। जयपुर में बीजेपी शासन में तोड़े गए मंदिरों को लेकर कांग्रेस का अपने विरोधी दल पर निशाना लगातार जारी है। कांग्रेस अब उस तथ्य को सामने लाने की तैयारी में है जब जयपुर में मंदिर टूटे जाने की घटना पर तत्कालीन बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी सरकार की तुलना औरंगजेब के शासन से कर दी थी। वेस्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।